एक टाइम स्लिप मांगूंगी। यू नो जस्ट अ वाइल अगो मैं दिल्ली को मिस कर रही थी कि बहुत टाइम हो गया दिल्ली जाकर, एंड नाउ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली। वी मिस्ड अ फ्लाइट टू ले बिकॉज ऑफ द एयरलाइंस। उनकी फर्स्ट फ्लाइट डिले इतनी हो गई बिकॉज ऑफ नो पायलट कि दिल्ली जाना पड़ा। देन जनपद पे यूनाइटेड ट्रेडर्स मेरी फेवरेट स्टोर में शॉपिंग करने के बाद पापा के फ्रेंड ने हमें बहुत सारा घुमाया एंड देन वी जस्ट हैड टू रेस्ट बिकॉज वी हैडन्ट स्लेप्ट द होल नाइट। Hi, we are at the Delhi airport. After all that happened, finally अब हम लेह के लिए निकलेंगे। In 15 minutes हमारा boarding start होगा। नाश्ता, oh my god, I have never had इतना अच्छा airport food because the kulcha, the stuffed aloo gyaz kulcha इतना बड़ा है and I'm not exaggerating. जैसे इट इज ह्यूज, मतलब इतनी वॉकिंग स्पेस नॉर्मली होटल रूम्स में मैंने देखी नहीं। लॉन्ड्री स्टैंड, बट हम तो इनफ कपड़े, क्लियरली इनफ कपड़े लाए कि वॉश नहीं करने पड़े। एंड क्यूट छोटा सा स्टडी टेबल। यू नो दीज आर एक्चुअली हीटिंग पैनल्स, सो दे आर कनेक्टेड टू अ प्लग हियर और इसमें से कॉन्स्टेंटली हीट आ रही है। देर नॉट जस्ट पेंटिंग्स, कितना इंजीनियस आइडिया ये। And then this is a tea and coffee stand. मैं तो hot chocolate powder भी लाई हूँ घर से, इसमें हम बना के पी सकते हैं। And this is a little coffee table area. This is the name of our hotel, the Driftwood. और TV, एक और heating panel, ये हमारा extra bed आ गया, मेरा bed. और इसमें भी they've put a heating insulator mat ताकि the bed will be warm जब इस पर हम सोएंगे। और इधर by the window पूरा पेरीमीटर पे से हाइट मॉम पूरे पेरीमीटर पे जैसा सीटिंग सिचुएशन, तो इतना मज़ा आएगा टू जस्ट वॉच द माउंटेन्स। ओ अच्छा, पर्दा भी कनेक्टेड है। देयर वी गो, दिस इज मी, क्यूट सी रॉकिंग चेयर। और ये मेन बेड एंड दीज टू आर ऑल्सो हीटिंग पैनल्स, तो रूम में तो ठंड लगने की कोई स्कोप ही नहीं है। हाय, दिस इज डे वन, टेक्निकली डे टू क्योंकि डे वन को तो हमने सिर्फ अक्लिमेटाइज किया। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा, इसलिए हमने सर ढक दिया है ताकि हम अंदर जा सके। लेह लद्दाख के ऑल्टीट्यूड हाइट की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉट नॉर्मल एंड इसलिए फर्स्ट कपल ऑफ डेज हमने बिल्कुल रेस्ट की एंड लोकल साइट सीइंग भी नहीं की। Now come to Magnetic Hill. The car gets pulled. Anything gets pulled in the opposite direction, like where the magnetic field is. So we've come at the Sangam. This is the Indus River, और वो है Zanskar River जो कारगिल से आती है। तो this is the Sangam. लेकिन उनका पानी का कलर भी कितना different है। They meet here. Sangam. I just saw it written over there. It's the world's highest rafting point. Not even India, the world's. Hands are freezing, but क्या taste था वो पानी का, like you'll forget all those packaged, वो ना Himalayan water के bottles आते हैं,
यू फॉरगेट एवरीथिंग. इतना मीठा और इतना मस्त पानी रहा. नाउ वी हैव कम टू शांति स्तूपा एंड इट्स जस्ट द थ्री ऑफ अस. इधर पूरा स्नो है एंड इट्स इन द मिडल ऑफ दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स. ऑनेस्टली हम तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे इतने पीसफुल सुंदर मंदिर में वेयर इट्स सराउंडेड बाय स्नोई पीक्स सिर्फ हम तीन आए होंगे. इट्स सरियल. नाउ वी आर एट द ले मार्केट लुकिंग फॉर लंच और कुछ भी खाने को बिकॉज वी आर हंग्री. वी लाइक ऑल थ्री ऑफ दीज ऑप्शन. वो टेरिस कैफे पे अच्छा लग रहा है वॉन्डरर्स देन रबसाल विच इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट कैफे पे अच्छा लग रहा है. फाइनली आफ्टर रोमिंग लाइक द होल मार्केट ये हमने शॉर्ट लिस्ट करा है. तो वी कम टू नास कैफे क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे था एंड हार्ड कोर चढ़ना नहीं था. मज़ा आ रहा है बड़ा ओपन व्यू. गरम गरम स्टीमिंग मोमोज. इफ यू कम टू द नॉर्थ एंड डोंट हैव मोमोज हाउ इज इट देयर. एक के कैफे यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बट नास वॉज गुड. यू कैन कम हियर. पापा के जैकेट के पीछे ग्रेफिटी कितनी कूल लग रही है. लेट्स ट्राई द किमची कप नूडल. कप नूडल्स ना फीके लगते हैं यार. कितना भी स्पाइसी कुछ भी ले लो दिस इज नॉन्गशिम का किमची. नॉर्मली इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है बट 5/10. एंड जस्ट रिमेंबर कि अब मैं उसके बेड पे बैठ के खा के बेड गंदा करूँगी. एक टायर स्लिप मारूंगी. शी हेट्स अ मेसी बेड एंड आई लव अ मेसी बेड. क्लियरली कंफर्टेबल ही नहीं लगता जब तक बेड पे मैस ना. साफ बेड पे कौन सोता है ना. ये सोती है अजीब प्राणी. हाय इट्स डे 2 एंड वी आर आउट एंड अबाउट फॉर मोर लोकल साइट सीइंग. बिहाइंड मी इज द शे पैलेस. मुझे ना माउंटेन्स देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो वी स्पेंडिंग मोर टाइम आउटसाइड दैन एट द एक्चुअल लोकेशंस. लुक एट दिस व्यू. आज फ्रेश स्नो गिरा था सुबह सुबह. हाउ ब्रेथ टेकिंग. हेलो यहाँ पर डॉग्स का ना फर बहुत थिक है एंड दिस इज द शे पैलेस. अभी हम आए हैं ठीक से मॉनेस्ट्री. दिस इज द फर्स्ट मॉनेस्ट्री वी आर गोइंग टू. दिस इज अ गेस्ट हाउस एंड द रेस्टोरेंट. हमने अंदर बैठ के मेडिटेट किया एंड इट वॉज extremely peaceful. So I found out that the white cloth जो बांधता है यहाँ पर that is a symbol of victory. So for example if you pass like the UPSC exam or you achieve anything big तो आपको पहनाया जाता है is what I found out over here. And then we went to Tara temple. There were so many different forms of Buddha in that temple. Buddha ji मज़ा आ गया. If we get lucky, we might get snowfall if the clouds come down, manifesting it. It's snowing! I'm in front of a black car so that you can see. It is actually snowing! मैंने बोला था ना power of manifestation. I was just manifesting it 2 minutes ago कि हमें snowfall देखने मिले and look, it's snowing. Hemis Monastery and that's where we experienced a snowfall. Thank to bahut lag gaya. Oh there mom and dad. We have come to Rancho Point. Yahan par hai Three Idiots Wall. This is the famous
थ्री इडियट सीट. दिस इज फ्रॉम दैट सीन जब चतुर सुसु के लिए आता है. All the murals of Three Idiots. We're gone. It's so cold. मुझे मेरे हाथों में ना सेंसेशन नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत विंडी है. They're all red. फटाफट गाड़ी में जाके डीकैथलॉन वाला वो हीट पैच लगाना है. But this was just such a nice place. Definitely come here. वो जुड़ा हुआ है चुन चुन चुन. This is a heat patch. निकालना है एंड देन यू हैव टू पुट इट इनसाइड लाइक बिटवीन टू लेयर्स सैंडविच्ड. तो आई एम पुटिंग इट हियर एंड या इट विल कीप माय चेस्ट वार्म. और जैसे ही गर्म होगा ना मैं मेरे हाथ भी सीख लूंगी यहाँ पर. आई डेफिनेटली कैरी दिस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनी कोल्ड प्लेस. दे आर जेन्युइन लाइफ सेवर्स बिकॉज़ अगर फ्रॉस्ट बाइट होने वाला हो कुछ भी होने वाला हो दिस इज लाइक अ क्विक सोल्यूशन. वेरी हैंडी. इसमें सॉक्स वाले भी आते हैं हैंड्स वाले भी आते हैं एंड दीज ऑल ओवर वाले भी आते हैं जो आप कहीं भी लगा सकते हो. प्रेप हो रही फॉर टुमारो कुछ कल हम जाएंगे कारगिल. सो या सी टुमारो. दिस इज डे 3 एंड अभी हम है 30,000 फीट अबव सी लेवल. कारगिल वॉर मेमोरियल एकदम ही अलग एनर्जीज है यहाँ पर. तो अभी हम अंदर जाएंगे तो वील सी एवरीथिंग टुगेदर. द वे हियर इज नॉट एट ऑल ईजी. इट टुक अस 7 hours एंड नॉन स्टॉप ऐसे घाट थे तो बहुत ही नॉर्जियस फील हो रहा था. दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट स्लीपिंग द होल रास्ता. वी आर हियर टू विटनेस व्हाट आवर आर्मी हैज डन फॉर अस ऑल द मार्टियर्स. वी कैन जस्ट फील द होल एयर टू हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एग्रेशन एंड पेट्रियोटिज्म. We've been so so lucky that we had company of a very respectable officer जिन्होंने हमको सब बताया of जब जो भी सब शहीद हुए कैसे हुए कौन सी बैटल में हुए कौन से बटालियन से थे वो. ऑल द राइफल्स वी यूज एयरक्राफ्ट वी यूज रियली गूज़बम्स आ जाएंगे व्हेन यू कम हियर एंड यू कैन नॉट गो बैक विदाउट कमिंग हियर. डे 4 पैंगोंग लेक. सो अभी यहाँ पे आगे रास्ता बंद है गाड़ियाँ नहीं जा रही है. सो आप देख रहे हो वहाँ पे सब लोग मिट्टी डाल रहे हैं जिससे गाड़ी स्लिप ना हो और आगे धीरे धीरे निकल सके. ये चेन बांध रहे. ओह देयर्स अ ब्लिजर्ड. स्नो पूरा उड़ रहा है. अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक एंड वी डोंट इवन नो हम आगे जा पाएंगे कि नहीं क्योंकि इवन मिलिट्री कॉन्वॉयज चेन बांध बांध के जा रहे हैं ऑन देयर टायर्स फॉर द ग्रिप. तो वी आर जस्ट इन अ नॉर्मल कार. फॉर द बेस्ट यार पैंगोंग नहीं जाएंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ओह नो. वन मे गेट वरिड कि ऐसी जगह पे फंस गए तो क्या होगा. बट देर आर सो मेनी हेल्पफुल पीपल ऑन अ रोड लाइक दिस ऑल्सो एंड दे डोंट शाय अवे. अपनी एक्स्ट्रा चेन ले रहे थे. दे आर सिटिंग इन द स्नो इन द कोल्ड आउटसाइड एंड हेल्पिंग अस पुट द चेन ऑन द कार एंड मूव इन स्नो फ्रॉम द रोड. मतलब इतने हेल्पफुल लोग ना मैंने कहीं नहीं देखे. नॉट इन एनी अदर स्टेट नॉट इन एनी अदर कंट्री एंड विथ नथिंग एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न. एंड एवलांच आ गया है. द रास्ता इज ब्लॉक. नोबडी कैन गो. उधर रोड ही ब्लॉक हो गए. दैट्स व्हाट हैपेंड. ऑल द कार्स हैव पुट अप चेन्स लाइक दिस. वी स्टक. Going back क्योंकि यहाँ पर भी avalanche का आसार लग रहा है. तो we need to leave immediately. It's not safe at all. इसने बोला अभी ये ग्रंथि 2 घंटा साफ होने में लगेगा. फिर उस वहाँ से उस तरफ पेंगुइन की तरफ जाओ. फिर रात तक इधर नहीं नहीं क्या पता. जी हमने फुल ट्राई मारी. ये आल्सो ट्राइड वेरी हार्ड. या जो हो गया अच्छा. नहीं तो
बुरा फंसे, बहुत बुरा फंसे। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन लेवल्स एक एक करके वी आर ऑल पासिंग आउट। मैं बार बार ऐसे सो रही हूँ मुँह खुला रख के। Dad passed out for a bit. Oh my god. Well, what an experience. Huh? Yeah, experience. Yeah. We're now taking these tablets for oxygen permeability. तो दिस मेडिसिन हेल्प्स द बॉडी टू कोप अप एट लो ऑक्सीजन लेवल्स। ये हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को पूछ के लाए थे। तो यू ऑल्सो आस्क अ डॉक्टर बिफोर यू टेक इट। व्हेन वी केम तभी ऐसा था ही नहीं। From the middle of nowhere, I really wanted to make a get ready with me in the snow. So don't miss that YouTube shorts and Instagram reel whenever that comes out. जो storm में फंसे, we're like ठीक है, let's now finish the other things. That was so much fun making these videos together. But honestly, अब headache वाला because of food. This is the look we made by the way. Not bad for freezing weather. Cutie boy. That's where we are. Woohoo! We're at the highest point. Amazing experience. Superb. And the person who has brought us here Gulamji. Is Gulamji. Thank you. Ji. Thank you. Thank you. What an experience. The route to here was also the most snowy, pretty, glittery. We're stuck again on the mountain with so many trucks, so many vehicles, because construction chalu hai. I was so out of breath. Three things you can't come without: camphor, kapoor, because when you keep sniffing and oxygen density improve hota hai. Two, heat patches. For me at least they've been a life savior because mujhe thand lag jati hai and I wanted to wear things like skirts and all. And three, your daily dose of medicines. It's very important that you have that along with water, vitamins, sab pooch lena apne doctor se aane ke pehle. Then the Ladakh trip will be super smooth. And we're finally back down at normal lake altitude aur hum wapas aaye hain to the same cafe, Naz cafe, because none of us had lunch. Everybody loved idhar ka food. Poore road pe jami hui barf hai. For gift shops now. This is our first stop, Stands and Arts. My shop, bahut acha tha. That shop is very nice. You can also buy from there. On any trip, my favorite thing to do is walking through the local markets. That's exactly what we're doing right now. Another place we shopped from is Zanskar Arts. Mast collection tha. And this feels like the first market where as tourists, dikhi hai hum tourists hai. Nahi humko galat price par quote kar raha hai. To acha bhi lag raha hai shopping karne ko. Good morning. It's our last day. And it's 6:30 in the morning. We've come down just to watch the sunrise. Literally muh se dhuaan nikal raha hai. Definitely in minus. Aur hum ek ek layer pehen ke aaye. Mama help karne dekhoge. She literally come in her home slippers and her pajamas without any thermal wear. Because humne socha ab to we are used to now. It's been more than a week. Honestly, घर वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे इतना टाइम रह के. एंड दिस इज इट फॉर द लद्दाख ब्लॉग एंड आर लद्दाख ट्रिप. आई होप आपको भी ऐसा लगा कि यू ऑल्सो विजिटेड एंड हैड दिस ट्रिप विथ अस, यू वर विथ अस राइट हियर एंड एन्जॉय दिस आउटस्टैंडिंग फॉर्म ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ स्नो. इफ यू लाइक दिस वन, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज. एंड आई सी वेरी वेरी सून इन अ ब्रांड न्यू वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय.